हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को सोच समझ के देखना, क्योंकि मैं उन भाइयों की बात कर रहा हूँ, सभी की नहीं, कि जो बार बार YouTube पर सिर्फ एक चीज़ सर्च करते हैं कि हमें अट्रैक्शन कब मिलेगा कब मिलेगा। आपको अट्रैक्शन की ज़रूरत क्यों है? अट्रैक्शन क्यों चाहिए आपको? आप ब्रह्मचर्य पालन करते हो तो आपका लक्ष्य सिर्फ ब्रह्मचर्य में हो कि किसी चीज़ को अट्रैक्शन कि आप लड़की हमारे तरफ अट्रैक्शन हो और हम उसे अट्रैक्शन करें अपने लव को। आपको अट्रैक्शन की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों आपको अट्रैक्शन किस लिए चाहिए मेरे भाई? मैं बार बार एक हर वीडियो में बताता हूँ कि आप ब्रह्मचर्य हो, आपको अट्रैक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ भगवान का ध्यान करना ब्रह्मचर्य का काम होता है। 3 से 3:30 बजे और 5:30 बजे से पहले उठना होता है और भगवान का ध्यान धर सिर्फ आपको भगवान का ध्यान धरना है। स्वयं ब्रह्मचर्य में किसी को अट्रैक्शन करना आपका ब्रह्मचर्य पालन नहीं कहलाता। आपको सिर्फ अपनी इंद्रियों पर काबू करना होता है और ब्रह्मचर्य में आपको हर चीज़ को अपने हिसाब से समझना होता है और आपको ब्रह्मचर्य में कोई अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होती, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ भगवान के नाम का जाप करना होता है और आप अकेले रहें तो ही बेटर है मेरे भाई। आप अपने माँ बाप के साथ रहें तो ही बेटर है। आप गंदे कामों में ना ही पड़ें तो ही अच्छी सलाह देंगे। बार बार हर कोई व्यक्ति YouTube पर एक चीज़ सर्च कर जा रहा है कि अट्रैक्शन अट्रैक्शन अट्रैक्शन। यह है क्या अट्रैक्शन? हमें अट्रैक्शन की ज़रूरत क्यों होती है? अट्रैक्शन की सिर्फ हमें इसलिए ज़रूरत होती है कि हम संभोग कर पाए। संभोग सिर्फ ब्रह्मचर्य ही कर सकता है। ब्रह्मचर्य तो एक भगवान का नाम का जाप करता है। भगवान बोध थे, हमेशा ब्रह्मचर्य की बातें करते थे। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा अट्रैक्शन की बात नहीं करते थे, सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन की बात करते थे। अट्रैक्शन तो स्वयं मिलता है और आप उस लेवल पर पहुँच जाओगे मेरे भाई ब्रह्मचर्य पालन से। सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन करो, आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ ब्रह्मचर्य का काम होता है भगवान का जाप, सिर्फ भगवान का जाप।